गुड मॉर्निंग बच्चों, हो सकता है कि आप शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, अगर आप दोपहर में देख रहे हो तो गुड नून, वाट एवर, है ना। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि हम लोग पढ़ाई करें, ठीक है। पढ़ाई ना करें तो फ़र्क पड़ेगा। तो जो हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने पियर्सन का जो IIT फाउंडेशन है उनके क्वेश्चंस को करना शुरू किया था, तो उसमें मैंने देखा कि लेवल 3 दो बार लिख दिया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्वेश्चन क्या है, उसको हम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। वो किस पे बेस्ड थे? एक्चुअली काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। मैंने ये सारी बातें बताया था, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या पढ़ा था बताइए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हुई थी। ये टोटल पाथ लेंथ होता है, जो रास्ता होगा उसके लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। ये बात समझ आ रही है? ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था, और पढ़ा था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम टेकन। और क्या पढ़ा था? एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट लेते हैं हम लोग, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ये सारी बातें हम लोगों ने करा था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर आज भी करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा आपको, बस इनके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बताने की, मतलब मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चंस आराम आराम से बन जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आप, अगर आपके पास ये वाली किताब है, पेज नंबर अगर मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें एडिशन बढ़ते जा मतलब चेंज होते जाता है, 6th एडिशन है ये, इसके हिसाब से पेज नंबर 2.24 में आइएगा। पेज नंबर 2.24 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 61 मैं पढ़ता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फुल स्टॉप इफ द रीडिंग ऑन द स्पीडोमीटर आफ्टर 5 सेकेंड इज 72 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। एक कार है जो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब यू का वैल्यू क्या हो गया? 0। इफ द रीडिंग ऑन द स्पीडोमीटर आफ्टर 5 सेकेंड इज 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। और रीडिंग, अब स्पीडोमीटर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, मानेंगे अब स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी आपकी निकल के आई, कितनी निकल के आई? 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको निकालना आना चाहिए, मैं ये बता दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? 1000 मीटर। एक घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, 60 गुना 60 सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड। इसको आप काटना, आपको आना चाहिए। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है? 5 ओवर 18, तो इंटू क्या होगा? 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड। 18 4 72 20 मीटर पर सेकेंड। अक्सर हम लोग मीटर पर सेकेंड में काम करेंगे, सेकेंड है तो इसको सेकेंड में, और जब सेकेंड मीटर किलोमीटर पर सेकेंड अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग बेहतर ये है किसका इस्तेमाल करें? मीटर पर सेकेंड का। यहाँ बोला एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। वी कितना है? 20। यू कितना है? 0। और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 20 बाई 5 20, 4 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूं समझ सकते हैं कि 0 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड का जो चेंज हुआ उसके लिए कितना सेकेंड लगा, मतलब कितना सेकेंड में हुआ ऐसा? 5 सेकेंड में ऐसा हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड बटे 5 सेकेंड, दैट इज 5 चौक 20, 4 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड चेंज होने में 5 सेकंड लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा? 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर्मूले से करें या बात आप समझ के करें, इस सॉल्यूशन को उतारें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए 62,
में बोला है कि अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट सी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ए से चलना शुरू कर रहा है और बी में पहुँचा, फिर बी से कहाँ है, डी है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है सी, और ये आपका 4 मीटर और ये पूरा कितना मीटर है, 6 मीटर. एक्स लिखा हुआ है, गलती से ठीक कर लीजिएगा. अब अपन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट सी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इफ इट टेक्स 4 सेकेंड्स टाइम. टाइम कितना लग रहा है बताइए, 4 सेकेंड टोटल टाइम. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ए एवरेज स्पीड क्या होगा, बी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. टी मतलब टोटल टाइम की बात हो रही है, ठीक है, इसका ख्याल रखें. अभी हम टी का मतलब किसकी बात हो रही है, टोटल टाइम टेकन, कोई बात नहीं है. एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला बताइए, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम. ध्यान रहे डिस्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे. टोटल कितना हो जाएगा, 4, इसका मिड पॉइंट ये 6 मीटर है तो इसका मिड इतना कितना होगा, ये वाला ये होगा 3 मीटर और ये भी कितना होगा, 3 मीटर. तो 4 मीटर और 3 मीटर कितना मीटर हो गया, 7 मीटर. डिवाइड टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड. 4×3 = 7/4 मीटर/सेकेंड. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4×4 = 3×0 = 4×7 = 28, 1.75 मीटर/सेकेंड. मेरी बात समझ आ रही है, सिंपल सी बात है. एवरेज स्पीड का फार्मूला है, लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम. उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखना पड़ेगा जो कि सेम डी से होता है, बटे टोटल टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल को फाइनल से डायरेक्ट मिला देंगे. तो इनिशियल ए है और फाइनल क्या है हमारा, अभी सी है. ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना होगा बताइए, छोटा कौन है, 4, बड़ा कौन है, छोटा जो छोटे हैं 4 स्क्वायर और ये छोटा कौन है, 3 स्क्वायर. इस दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट करते हैं, 4 स्क्वायर कितना आएगा, 16, 3 स्क्वायर कितना आएगा, 9, 16 और 9 कितना होगा, √25 आएगा, कितना आएगा, 5 मीटर. दैट इज डायरेक्ट जो ए से सी हुआ वो कितना मीटर हुआ, 5 मीटर. दैट इज 5 मीटर. टाइम टेकन कितना है, 4 सेकेंड. दैट इज 5/4 मीटर/सेकेंड या 4×4 = 1.25 मीटर/सेकेंड. एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल जो डिस्टेंस आपने कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा. कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. उस इंस्टेंट में जो वेलोसिटी होगी होगी एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उस इंस्टेंट में जो स्पीड होगी होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. जो आपका स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है. पूरा तो एक साथ हो जाएगा, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कभी कम स्पीड होगी कभी ज्यादा होगी. एवरेज में क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा और टोटल टाइम होगा उसको डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा, दैट वेरी रिजल्ट इज कॉल्ड, दैट इज एवरेज. दैट इज एवरेज, नोट डाउन करें. एवरेज का मतलब टोटल बटे टोटल एवरेज मिलेगा, वो वेलोसिटी भी हो सकती है और स्पीड भी हो सकती है. चले नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिगर शोन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीई एंड ईडी. एक फिगर है डीई और ईडी में फर्क बताने बोला है. ये ऐसे 90 डिग्री है, ए बी सी डी ई, ये ऐसे जा रहा है. डीई और ईडी में फर्क बोलने बोला है, बताइए. अगर मैं डीई की बात करूं, DE क्या होगा बताइए, D से E की तरफ, ये D से E की तरफ, उल्टा मैं बना रहा था, ये D से किधर, E की तरफ. मेरी बात समझ आ रही है, D का मतलब हो गया फ्रॉम D टू E, और दूसरा क्या बोला है बताइए, दूसरा बोला है ED, DE एंड ED, डिफरेंस बिटवीन DE एंड ED. तो ED किधर हो जाएगा बताइए, E से D की तरफ, ये वाला हो गया, दोनों अलग अलग कलर कर दिए. व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, दैट इज डिस्टेंस इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. गॉट इट, उतार लें. उसके बाद 64 में क्या बोला है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, अगर डिस्टेंस की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. अ पुलिसमैन इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकेंड. क्वेश्चन में बोला है पुलिस मैन है कितना में, 5 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है,
एंड अ थीफ इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, चेंज नहीं कर रहा है, थीफ जो चोर है वो कितना में 2 मीटर पर सेकंड में चल रहा है. इज इट पॉसिबल टू फाइंड वेदर द पुलिस मैन कैच द थीफ, कैन पुलिस कैच द थीफ. क्वेश्चन है कि क्या चोर को पुलिसमैन पकड़ सकता है. हाँ पकड़ सकता है, अगर 2 मीटर पर सेकंड में थीफ जा रहा है पीछे से सेम डायरेक्शन में, अगर कौन जा रहा है पुलिसमैन जा रहा है तो उसको पकड़ सकता है. लेकिन यह गिवन नहीं है कि थीफ किस डायरेक्शन में जा रहा है और पुलिस किस डायरेक्शन में जा रहा है. हो सकता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. पुलिस जा रहा है नॉर्थ की तरफ और चोर जा रहा है ईस्ट की तरफ, कभी पकड़ नहीं पाएगा. तो इसका ख्याल रखें कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पकड़ भी सकता है और पकड़ नहीं भी सकता है. तो ये आंसर क्या होगा, ये पकड़ सकता है अगर सेम डायरेक्शन में. अगर चूंकि डायरेक्शन नहीं पता है तो हम कह नहीं सकते कि पकड़, वी कैनॉट से, वी कांट से दैट, वी कांट से दैट पुलिस कैन कैच और नॉट बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट गिवन, या डायरेक्शन आर नॉट गिवन, दो के डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट. तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब स्पीड के साथ डायरेक्शन जब आ जाता है उसको वेलोसिटी कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी. ओके चलिए ये क्वेश्चन हो गया. और भी 64 हो गया. 65 में क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द पाथ ए बी सी एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट. तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूरा ही मैं उतार सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में फिगर है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर है इस तरह से, रूट 5 मीटर स्क्वायर 5, पावर कितना होता है 1/2 ए बी डी, और ये कितना मीटर है 2 मीटर, और ये कितना मीटर है 3 मीटर. ए बी सी, ये सी ठीक है, ये तो डॉट डॉट दिया हुआ है, जस्ट ऐसे जा रहा है ए से बी, बी से सी. तो बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज ए सी निकालना है. क्या निकालना है, ए सी, मतलब ये निकालना है. ठीक है, ए सी क्या होगा निकालना है, हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अभी डायरेक्शन आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए टेंजेंट वगैरह जानना पड़ेगा. तो ए सी कितना होगा बताइए, उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी डी. बी डी कैसे निकलेगा बताइए, मैंने बताया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ा कौन होगा जो 90 डिग्री का ऑपोजिट, उसका स्क्वायर कौन होगा 3 स्क्वायर, छोटा वाला कौन है 2 स्क्वायर, दोनों को घटा के उसका स्क्वायर निकालेंगे. क्योंकि छोटा वाला निकालना है, बड़ा निकालेंगे तो जोड़ेंगे और छोटा वाला निकालेंगे तो घटाएंगे. अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें अच्छे से, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट मीटर आया. तो बी डी कितना आ गया, रूट 5 मीटर. तो दिखने में लगता है रूट 5, ये बड़ा है छोटा है, लेकिन ये बराबर है, रफ फिगर था जिसकी वजह से हमको भी पता नहीं था क्या वैल्यू होगा, फिगर ऐसे ही गिवन था. तो ये रूट 5 है, रूट 5 है, ये हो सकता है कि आपको लग रहा होगा छोटा है लेकिन इक्वल साइज है, दिखने से कोई मतलब नहीं, रफ फिगर है इसलिए चलेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें ए सी निकालना है, तो ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये, क्या ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो ये रूट 5 है और ये रूट 5 है, तो कितना हो गया 2 रूट 5, या हम बोलेंगे ए डी. ये पूरा ट्रायंगल का आप देखिए, ये वाला ए डी सी, ए डी का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, डायरेक्ट निकालना नहीं ये वाला. ठीक है, तो ए डी कितना हो गया रूट 5, रूट 5 2 रूट 5, उसका स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 2 का स्क्वायर. अगर आपसे बन पा रहा है खुद भी कर, 2 स्क्वायर 4, रूट 5 5, 4 × 5 + 4, तो 20 + 4 का स्क्वायर अंडर रूट 24 मीटर, 25 होता तो 5 मीटर हो जाता, 5 मीटर से थोड़ा कम है. नोट डाउन करें, आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है. इससे इससे पहले जो मैंने लेक्चर कराया था रिकॉर्ड, तो वो क्या था, वो थोड़ा टफ था ये, लेकिन कर सकते हैं आप. इसीलिए क्लास 8 के बच्चों के लिए भी रिकमेंडेड है और ये क्लास 9 के बच्चों के लिए भी है. तो मैं क्लास 9 और क्लास 8 दोनों ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, दोनों को करना है इसे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोशन के क्वेश्चन में ये अच्छे क्वेश्चन हैं. डन, चलिए 65 हो गया. 66 में क्या बोला है कि पुलिस मैन इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, देखिए वेलोसिटी की बात कर रहा है. पुलिस मैन, पीएम मतलब यहां पे प्रधानमंत्री नहीं है, पुलिस मैन है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, किधर जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट. एंड थीफ इज रनिंग, 2 किलोमीटर पर आवर किधर जा रहा है, वो
ईस्ट की तरफ, क्या पॉसिबल है? यस, यहां क्या होगा? यस, पुलिसमैन विल कैच। कैसे कैच कर लेगा? क्योंकि वो जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर में, पीछे से कौन जा रहा है? पुलिसमैन 5 किलोमीटर पर आवर में। तो क्या हो जाएगा बताइए? पॉसिबल है कब? लेकिन याद रहे कि पीछे को, ऐसा नहीं कि पुलिसमैन पहले से आगे है, ये ध्यान में रखे। विल तो नहीं, कैन कैच। क्यों कैन? क्योंकि ऐसा ना हो कि पुलिसमैन आगे और पीछे कौन है? थीफ है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो तो आगे बढ़ते जाएगा और ये पीछे ही रहते जाएगा। तो ध्यान है कि कैच तब करेगा जब पीछे होगा कौन? पुलिसमैन। तब उसको फिर वो ओवरटेक करने से पहले क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। बात समझ आ रही है? अगर नहीं पकड़ना है तो ओवरटेक कर जाएगा, और पकड़ना है तो उसको पकड़ लेगा। सिंपल सी बात है। 67 ने बोला है कि इन द अबव प्रॉब्लम, इफ द पुलिसमैन इज बिहाइंड द थीफ एंड द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है 67 में, सेम क्वेश्चन है कि बिहाइंड मतलब ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कौन है? पुलिसमैन, और यहाँ पे कौन है? थीफ। और शुरू में दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 10 मीटर, ठीक है। और ये चल रहा है कितना में? 5 किलोमीटर पर आवर में। और ये कितना में चल रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी होती है। क्या होती है? ये 2 में चल रहा है, ये 5 में चल रहा है। तो बेसिकली ये 2 गया, ये 5 इसके नजदीक गया। तो अब बीच में कितना बचा? हर एक घंटे में 3 किलोमीटर। कितना बचा? मतलब 5 किलोमीटर पर आवर और ये 2 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? 3 किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर? क्योंकि अगर ये रुका हुआ होता थीफ, तो ये 1 घंटे में कितना नजदीक जाता थीफ का? 5 किलोमीटर। अब चूंकि ये 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया और ये 5 किलोमीटर आगे बढ़ा, तो बीच में कितना डिस्टेंस बचा? 3 किलोमीटर का। कितना? इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। घटा के निकालते हैं। अगर रुका हुआ होता तो जस्ट 5 - 0 = 5 आता। ये कितना होगा? 5 - 2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी ही इस्तेमाल होता है एक्चुअली, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तो जिसकी वजह से 5 - 0 कितना आता है? 5। इसीलिए वहां पे चिंता नहीं होती। अब डिस्टेंस कितना है बताइए? 10 मीटर। हमें क्या चाहिए? टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बटे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको? 10 मीटर। और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। तो याद रहे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी निकालना सीखे ना। 3 × 5/18, 3 × 6 = 18 कितना होगा? 5/6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ होगा 5/6 मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 10/1 × 6/5, 5 × 10 तो 6 × 2 कितना सेकंड? 12 सेकंड। अच्छे से उदाहरण, अच्छा क्वेश्चन है। तो 12 सेकंड के 10 मीटर कितना सेकंड में कवर कर लेगा? 12 सेकंड में। और ये 12 सेकंड में किसको पकड़ लेगा बताइए? सही करा ना, 12 सेकंड में पकड़ लेगा किसको? चोर को। अगर वो कितना किलोमीटर पर आवर में चले? 3 किलोमीटर पर आवर में। कितना किलोमीटर पर आवर में? एक्चुअली चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन चूंकि थीफ भी तो आगे बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से वो 3 किलोमीटर पर आवर में थीफ के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटिव ही हुआ करती है, होती ही नहीं है, क्योंकि हम एक को 0 लेते हैं जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उतार लें इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन है, अ बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, पिक्स अप अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर। आपको तो ये भी बता दिया गया कि 5 और 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 × 72, 5 × 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। और डिस्प्ले डिस्टेंस कितना? 40 मीटर। अभी मानते हैं कि चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है। क्वेश्चन वाला फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो आप कुछ करेंगे, क्या करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं बता रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला लगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन में बोला है कि रेस्ट से अगर वो 20 मीटर पर सेकंड में पहुंचा 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, एक्सेलरेशन कितना? ये फॉर्मूला है आपका, वी कितना होगा? 20² 0² + 2 * a * 40। इसको सॉल्व करिए आप, 400 = 80a, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हुआ।
समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो क्या करें, आप इसको स्लो करके देखें। कैसे देखें? स्लो करके। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। और आपसे हो सके तो आप जस्ट उसको म्यूट कर दें और अपने से अपनी कॉपी में करते रहें और वीडियो को चलते रहने दें। उसके अलावा, अ पेंसिल इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द अदर इज फिक्स्ड टू अ नेल। देखिए क्या होता है, उस तरह से आप घुमाते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरह से घुमाना है पेंसिल को, ऐसे टाई करके एक स्ट्रिंग से इसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लेंथ कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, इफ द टाइम टेकन टू ड्रॉ हाफ सर्किल एंड फुल सर्किल विद पेंसिल इज 2 सेकंड एंड 4 सेकंड रिस्पेक्टिवली। हाफ सर्किल के लिए क्या लगता है, 2 सेकंड, और फुल सर्किल के लिए कितना लगता है, 4 सेकंड। ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब ये जो घूमेगा 2 सेकंड में आधा सर्कल और 4 सेकंड में पूरा सर्कल। क्वेश्चन में बोला है स्पीड और वेलोसिटी, मतलब एवरेज निकालना है व्हेन हाफ सर्कल इज ड्रॉन एंड फुल सर्कल इज ड्रॉन। ए में हाफ सर्कल के बारे में बात करेंगे, हाफ सर्कल में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, आधा सर्कल होगा तो पूरा सर्कल क्या होता है, 2πr, आधा सर्कल क्या होगा, पाई आर। तो पाई आर बटे टाइम टेकन कितना है, 2 सेकंड। आर का वैल्यू कितना है बताइए, आर है 5 सेंटीमीटर बटे 2 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5π/2 m/s, 5π/2 cm/s। ओके, दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका सिंपल है, ये पूरा एक साथ, ये 5 तो ये भी क्या होगा 5, सीधे आधा सर्कल में 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, सेंटीमीटर बटे टाइम कितना 2 सेकंड, 5 cm/s। डन, उतार लें। अब दूसरा क्या करेंगे, फुल सर्कल के लिए, किसके लिए, फुल सर्कल के लिए। तो फुल सर्कल के लिए ये बी में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2πr बटे टाइम, 2πr कितना है 5 सेंटीमीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, तो हो जाएगा कितना, 2 कैंसिल, 5π/cm/s। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट घूम के वहीं पहुंच जाएगा 0 में, डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 0 cm/s। ठीक है ना, जहां चला वहीं पे, जहां से चला वहीं पे आ गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में आंसर नहीं दीजिएगा, आंसर गलत है, आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है, वही है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट उड़ा लीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा और सीधे जाएगा तो मतलब जो पाथ का लेंथ है उसको डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे टोटल वाला को, तो क्या मिलेगा एवरेज स्पीड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। तो यही क्वेश्चन है, तो आप उसको खुद करें। तो लेवल 3 के सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, लेवल 3 एक्चुअली 2 बार दे दिया है गलती से, एक्चुअली सारे लेवल 3 के क्वेश्चन हैं, तो हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लेवल 2 पे, आप इंतजार करें और सबमिट करें इसको, ये सबको बनाना है, क्योंकि लेवल 3 का जो इससे पहले का मैंने क्वेश्चन कराया था वो टफ था, ये बहुत ईजी था, इसीलिए आप सबको ये करना है। ठीक है, ये सबके लिए होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।